अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि पार्टी का क्या होगा। देखिए, ये करोड़ों लोगों की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल एक सोच है, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है। ये गलत फहमी है कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार कर लो तो उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल एक सोच का था, तो सोच को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? तो ये ऐसे खत्म होने वाली पार्टी थोड़ी है, कैसे जाला थोड़ी है कि उतार दो, जाला लगाया उतार दो। मनीष सिसोदिया जी, एक साल हो गया उनको जेल में रखे, एक रुपया भी मिला उनके घर से, उनके लॉकर से, उनके खाते से, उनके पैतृक गांव में भी चले गए, संदूक पेटियां फरोल दी, एक रुपया नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि पार्टी का क्या होगा, पार्टी कौन चलाएगा, मुख्यमंत्री कौन होंगे दिल्ली के, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़े चेहरे के तौर पर आपको देखा जा रहा है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो कोई प्लानिंग की है किस तरह से पार्टी चलेगी, किस तरह से आगे, क्योंकि इलेक्शन भी है? देखिए, ये करोड़ों लोगों की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल एक सोच है, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है। ये गलत फहमी में है कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार कर लो तो उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है, तो सोच को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो आप? आज शहीद आजम भगत सिंह का शहीदी दिवस है, 23 मार्च 1931 को आज उनकी शहीदी हुई थी, उन्होंने फांसी के रस्से चूमे थे। और उन्होंने क्या कहा था शहीद आजम भगत सिंह ने, कि मेरी मौत पर मत रोना, मेरी सोच को बचाना। तो सोच को बचा रहे हैं, सोच बचेगी, सोच है, सोच करोड़ों लोगों के मन में, केजरीवाल की सोच जो है वो घर कर चुकी है। तो पार्टी है, पार्टी दो स्टेटों में हमारी सरकारें हैं, 10 हमारे राज्यसभा में हैं, 1 हमारा लोकसभा में है, 5 हमारे गुजरात में एमएलए, 2 हमारे गोवा में एमएलए हैं, 1 संगरौली में मध्य प्रदेश में हमारी मेयर है, चंडीगढ़ में हमारा मेयर है, एमसीडी में दिल्ली में हम हैं। तो ये ऐसे खत्म होने वाली पार्टी थोड़ी है, कैसे कुछ जाला थोड़ी है कि उतार दोगे, जाला लगाया उतार दोगे। तो यही तो पार्टी है जो बीजेपी के लिए खतरा बन रही है, इसीलिए तो फिर गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन आपके 3 बड़े चेहरे, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, पहले से जेल में थे, अब अरविंद केजरीवाल, चुनाव कैसे लड़ेंगे, आगे किस तरह से चलेगा? ये आम आदमी पार्टी चेहरों की राजनीति तो करती नहीं, आम आदमी पार्टी तो लोगों में से चेहरे बनाती है। आप देखिए, आप पंजाब में रहते हैं, 92 एमएलए हैं 117 में से, 80 फर्स्ट टाइमर हैं, छोटे छोटे बच्चे 27 साल के, 28 साल के लड़के लड़कियां जीत गए, अब चेहरे बन गए वो भी। हम लोगों ने लोगों को आगे लाने की राजनीति शुरू की है, मैं कौन सा चेहरा था जी? तो मतलब जितने हमारे मंत्री हैं, एमएलए हैं, वॉलंटियर चेयरमैन है, हम सब सिपाही हैं जनरल। हाँ, अरविंद केजरीवाल हमारे सुप्रीमो हैं, रहेंगे और उनकी सोच पर पहरा देके पूरे जोश से लड़ेंगे। और इनको ये पता चल जाएगा कि ये गलत फहमी में है कि शायद विपक्ष वालों को ऐसे पकड़ के हम पार्टी खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सच को, सच्चाई को दबाया तो जा सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन सच्चाई कभी मरती नहीं। इंसाफ दा दिन नहीं चढ़ना, जो लोगों के दिल चो ये डर नहीं जाता। मैं उन्होंने कहना चाहना, रात लम्मी होने का मतलब सूरज मर नहीं जाता, सूरज चढ़ेगा देश में, सच्चाई का सूरज चढ़ेगा। लेकिन इस कथित शराब घोटाले में ईडी ने कहा है कि मुख्य किंगपिन यही है, 100 करोड़ की घूस जो है अरविंद केजरीवाल ने ली है, 100 करोड़ की घूस के आरोप जो है वो लगे हैं। नहीं, ईडी के आरोप है, ईडी का मतलब है बीजेपी, ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड निकले हैं, सबसे पहले ईडी आती है, उसके बाद फिर बॉन्ड खरीदते हैं, सीबीआई आती है, उसके 4 दिन बाद बॉन्ड खरीदे जाते हैं चंदे के रूप में बीजेपी को देने के लिए। तो ये तो हथियार के तौर पे, औजार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके आरोप लगाने से क्या होता है? और क्या नाम है, मनीष सिसोदिया जी, 1 साल हो गया उनको जेल में रखे हुए, 1 रुपया भी मिला उनके घर से, उनके लॉकर से, उनके खाते से, उनके पैतृक गांव में भी चले गए, संदूक पेटियां फरोल दी, 1 रुपया नहीं मिला, क्या साबित करेंगे जी? ईडी कह रही है कि उनके पास चैट है, चैट में मनी ट्रेल का उन्होंने जिक्र किया। ईडी कह रही है ना, कोर्ट में साबित करें ना। अब कोई बंदा कह रहा है, एक शरद रेड्डी ना का बंदा है, वो 20 बयानों में कह रहा है मैं जानता नहीं हूं, मेरी कोई केजरीवाल से जान, उसको पकड़ लिया जाता है। 21 में बयान में कहता है हाँ जी मैं मिला था,
मुझे ये कहा था कि ये कर दो वो कर, वही जेल जाने के बाद 10 दिन के बाद 55 करोड़ का बॉन्ड दे रहा है बीजेपी को। तो मुझे ये बताइए ये क्या है फिर, ये चंदा है? अगर कोई अच्छा काम करे तो धंधा है, अगर इनको पैसा मिले तो चंदा है, ये कहां की डेमोक्रेसी है? लेकिन अरविंद केजरीवाल अब जेल में है तो सरकार कैसे चलेगी? चलेगी जेल से चलेगी, ये देश में कोई कानून नहीं है। सीएम अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के रहेंगे, आप कह रहे हैं कि सरकार जेल से चलेगी, तो अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे, अभी वो दोषी साबित थोड़ी हुए हैं, आरोपी हैं। कौन से संविधान में लिखा है, कौन से कानून में लिखा है कि एक सिटिंग सीएम को आप आरोपी के तौर पे ले जाओ और उसको इस्तीफा दे? जेल से चलेगी सरकार, चल सकती है जेल से? बताऊं कैसे? कैसे? सुब्रतो सारा पकड़े गए थे, 20,000 करोड़ का चिटफंड का घोटाला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसे वापस कर दो आपको छोड़ देंगे। उसने कहा जी मैं पैसे कैसे वापस, मैं तो जेल में हूं, मुझे साइन करने होंगे कागजों पर पैसे वापस करने के लिए। उसका जेल में ऑफिस बना दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी। आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जो कैबिनेट है वो सारी जेल में जाएगी, वो कैबिनेट में फैसले लेंगे, जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि मुख्यमंत्री को एक आरोपी को आरोपी बना रखा है, सरकार चलाने दो। तो दिल्ली की सरकार जो है कैबिनेट भी होगी। इससे पहले भी तो अरविंद केजरीवाल एक बार मुख्यमंत्री थे तो रेलवे भवन के पास वो अनशन पर बैठ गए थे, वो फाइलें वहां से साइन होती थी। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। लास्ट सवाल, चुनाव प्रचार अब कैसे होगा, कैसे आप मैनेज करेंगे? आपके ऊपर जिम्मेदारी है, पूरी पार्टी को संभालना है, लोकसभा पंजाब में, हरियाणा में एक सीट पर लड़ रहे हैं, दिल्ली में आप लड़ रहे हैं, किस तरह से आप करेंगे? देखिए 4 सीट हम दिल्ली लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वैसे इंडिया का अलायंस है। कुरुक्षेत्र लड़ रहे हैं, गुजरात में 2 सीट लड़ रहे हैं और पंजाब में 13 की 13 आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो हम लोग ना लिख के दे देते हैं पहले बहुत से नेशनल चैनलों पर हमने लाइव लिख के दिया है कि सारा बादल परिवार हारेगा, कि सारा ये नवजोत सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सब हारेंगे, चन्नी हारेंगे, हारे ना। इस बार लिखकर क्या दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी शक्ति के रूप में लोकसभा चुनाव में सामने आने वाली है। 13 सीटों में कितनी पंजाब में? कौन सी क्यों 13 क्यों? कुरुक्षेत्र भी बोलो, साथ में दिल्ली की भी है, गुजरात भी है। मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में लोकसभा इलेक्शन में सामने आने वाली है। अरविंद केजरीवाल जल्दी बाहर आएंगे और इनको ये पता चल जाएगा कि इन्होंने अपने आखिरी कील ठोका है, जो डेमोक्रेसी को खत्म करने में लगे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर।